नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कभी कभी बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं तो वो चौंकने लगते हैं और कभी अपने आप रोने लगते हैं और कभी भी उनको वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं बच्चे, तो उनके लिए आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। तो वो हम ताबीज़ बना करके आपको बता रहे हैं कि बच्चों को मतलब किस प्रकार की ताबीज़ बना के पहनानी चाहिए। तो इससे ताबीज़ से आपके क्या फ़ायदे हैं आपके बच्चों में, और बड़े लोग भी पहन सकते हैं कि रात में आपका बच्चा चौंकेगा नहीं और एकदम से डरेगा नहीं, जैसे एकदम से सहम जाता है बच्चा, एकदम से ऐसे ऐसे करने लगता है। तो ये चीज़ें आपके बच्चे को, और नज़र का जो है तो नज़र भी नहीं लगेगी और नकारात्मक जो शक्तियाँ बाहर से आ जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, तो वो नकारात्मक शक्ति आपके बच्चे के ऊपर नहीं आएगी। ये जो ये ताबीज़ है, ये ताबीज़ है और इसमें कुछ लिखा हुआ है, यानी कि उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, उसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या लिखा है इसमें। तो इसको हमको करके, ये तो आप मस्जिद से बनवाइए जो तो पेरेंट्स, आप बच्चों के लिए मस्जिद से बनवाइए, ये तो कोई अच्छे ज्ञानी पंडित से बनवाइए ताबीज़ बच्चों की। तो ये हमारी जो ताबीज़ है, तो इसमें कुछ लिखा हुआ है और इसको उन्होंने बोला है कि इस तरीके से इसको ऐसे करके और फिर बीच में इसको ऐसे करके। तो किसी बरसात, हमारी मुलायम सी पॉलीथीन है तो इसको हमने ये करके काट लिया है। इसको हमको इस तरीके से इसको रखना है और इस तरीके से ऐसे कर देना है, ऐसे करके इसको हम एक दो बार इसमें लपेटेंगे इस तरीके से, ऐसे ये। तो जैसे कि इसमें पानी वानी पड़ेगा तो इसमें मतलब मालूम नहीं पड़ेगा कि पानी नहीं पहुंचेगा कि पानी पहुंचे और ये ख़राब हो जाए। इसको फिर हमने जितना वो कर लिया है इसको काट देंगे। तो इसको हमने बरसाती में पॉलीथीन में, मुलायम पॉलीथीन में लपेट लिया है और इसके बाद हम काले कपड़े में इसको ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद इसको डबल कर देंगे, ये हो गया डबल। डबल होने के बाद इसको हम ऐसे कर देंगे, ये ऐसे हो गया। इसके बाद हम जो कपड़ा जो हमारा बच रहा है काला कपड़ा, उसको हम इस तरीके से ऐसे काट देंगे, ये कपड़ा कट गया। और इसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे और इसको जो है इसको ऐसे करेंगे और इधर की मोड़ को ऐसे करेंगे, ऐसे करके। और ये हमारे पास काला धागा है, धागे में इसको ऐसे करके सिलाई मारने के लिए ये काला धागा हम इस तरीके से कर लेंगे ताकि ये बीचों बीच काला धागा आ जाए। तो इसमें अब हम देखो सिलाई कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको वो करना है, सिलाई मारना है। इसमें रोया हुआ है और काले ही धागे से हम इसकी इस तरीके से सिलाई करेंगे। ये हो गया, काले धागे से हमने ऐसे इसमें सिलाई करेंगे कि जो हमारा धागा भी है ये भी उसमें आ जाए, ये। और ये हो गया, बीचों बीच में हमारा ये जो जंतूर बना हुआ है तो बीचों बीच ये पड़ा हुआ है। बच्चे की ताबीज़ बनकर के तैयार हो गई है। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ एक दो मिनट का समय लगना है बनाने में। और इसमें इतने फ़ायदे हैं बच्चे, काले धागे से पिरो करके हमने आपको दिखा रहे हैं, तो इससे आपको बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बच्चे का जो चौंकना होता है, बच्चे का जो डरना होता है, बच्चा जो सहम जाता है और बच्चे के जो नज़र द्वेष वो होता है, लोग टुटका टक्रम करा देते हैं तो वो बच्चे को जल्दी से असर नहीं करेगा। इसलिए हम लोग छोटे बच्चों को ये जंतुर बनवा करके पहनाते हैं। तो मस्जिद से बनवा के लाइए, जब मस्जिद में आप जाती हैं तो नमाज जो पढ़ी जाती है तब इसके बाद बच्चों के वो फूंक भी डालते हैं और ये बना करके भी देते हैं। तो ये आपको इतना काम घर में करना है और इससे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हम भी अपने बच्चे को, अपने नाती के ये बनवाए हुए हैं और ये बांधे हुए हैं। ये जो है ताबीज़ जो है हमारी, ये छोटे बच्चों के गले में
डाली जाती है और गले में इतनी हो कि मतलब सीने तक बच्चे के आए, ना बहुत बड़ी हो ना बहुत ही छोटी हो, यानी सीने के बीचों बीच रखी रहे तो बच्चे को कोई भी तकलीफ इन चीज़ों की तकलीफ कोई भी नहीं होगी और बच्चा आपका सदा स्वस्थ रहेगा और अच्छा रहेगा। और वहाँ पर जो आपको मिलती है ताबीज, ये तो हमारी कागज़ की ताबीज है, और वहाँ पर कोई कोई देता है तो वो ताबीज लोहे की होती है या चांदी की ताबीज कोई कोई बनवाता है, तो वो अपने ऊपर है, मतलब वो करवाना या तो अच्छे पंडित योग पंडित से आप बनवाइए बच्चे के लिए, और ये तो मस्जिद से बनवाइए। तो ये आप अपने बच्चे के गले में डालिए, काले धागे में पिरो करके डालिए, और इस आप काले धागे और काले कपड़े में सिलाई करके आप अपने बच्चे को गले में पहनाइए तो आपके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो पेरेंट्स, ऐसे ही हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़े हुए अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल गीता रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एक जरूर से जरूर कीजिए और दूसरों में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हमारा दूसरों तक फैले, दूसरों तक जाए और दूसरे लोग भी अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें।